बढ़िया था, एग्जाम बढ़िया था। तो सेंटर गांव में पड़ा है, वो भी इतनी दूर पड़ा है, ट्रांसपोर्ट वगैरह की दिक्कत आ रही नहीं। एनटीए से मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि शहर से 40 किलोमीटर दूर यहां तक 32 किलोमीटर दूर जाएंगे। ये बच्चे एग्जाम दे के आ रहे हैं और 40 किलोमीटर इनका सेंटर दूर पड़ा है। स्वागत है आपका, मैं हूँ माज। कल मैंने नीट परीक्षा से जुड़े हुए मुद्दे को उठाया था और आपको तथ्यों के आधार पर समझाने का प्रयास किया था कि क्यों एक गरीब परिवार के बच्चे के लिए डॉक्टर बनना कठिन हो रहा है। आप लोगों ने उस वीडियो को देखा, खूब प्यार दिया। वो वीडियो मैंने अपने एक दर्शक के आह्वान पर बनाया था जो नीट की तैयारी कर रहा है। कल के वीडियो के बाद से मानिए कबीर न्यूज़ के ईमेल बॉक्स में छात्र और छात्राओं के ईमेल की बाढ़ सी आ गई और तमाम छात्र हमसे नीट से जुड़ी हुई अव्यवस्था को बार बार उजागर करने के लिए कहने लगे। हमारी टीम भी काफ़ी सोच में पड़ गई और तमाम जानकारियां नीट से जुड़ी हुई इकट्ठा करने में लग गई। नीट की जड़ों को समझने के लिए जब हमने एक अभ्यर्थी से बात की तो उसने पूरी अव्यवस्था को खुलकर बताया। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आर्थिक रूप से संपन्न छात्र ही अब डॉक्टर बन सकेंगे, लेकिन मैं शायद एक सिंडिकेट या बड़ी साजिश की तह तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन कल रात हुई वार्तालाप ने मुझे एक नतीजे पर पहुंचाया, वो भी प्रमाण के साथ। अभी हाल ही में नीट परीक्षा का आयोजन हुआ था। डर कर सहम कर लाखों बच्चों ने परीक्षा दी। पहले से एक तो बदले हुए सिलेबस ने बच्चों को भ्रमित कर रखा था और बची कुची कसर एक साजिश ने पूरी कर डाली। क्या है ये साजिश और क्यों ये प्रायोजित तरीके से रची जाती है और कौन है इसके पीछे, इन सवालों के उत्तर भी खंगालने का काम हमने भरपूर किया। अभी हाल ही में नीट परीक्षा का आयोजन हुआ था। बच्चों ने साल भर मेहनत की, खूब पढ़ाई की, खूब कढ़ाई की और अपने आप को नीट की तैयारी के सांचे में ढालने का काम किया। उसी बीच देश भर में यानी पटना, वाराणसी, जयपुर आदि शहरों से एक गिरोह का खुलासा होता है जो पेपर लीक करवाता है और मोटा पैसा लेकर अपना उल्लू सीधा करता है। हमने अपने सूत्रों के माध्यम से इन गिरोहों के फंडे को जानने का प्रयास किया और जो हमको मालूम पड़ा वो आपको ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के होश उड़ा सकता है। दरअसल एक गिरोह था जिसकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है और वाराणसी पुलिस ने सॉल्वर गैंग का खुलासा किया है। हास्यास्पद और मजेदार बात यह है कि जो माँ अपने बच्चों को संस्कार देती है उसी माँ ने अपनी डॉक्टर बिटिया रानी को सॉल्वर बनाया था और मोटा पैसा कमाने का एक लंबा प्लान बनाया था। अब आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि ये मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अभी हाल ही में वाराणसी के सारनाथ के सेंट फ्रांसिस जेवियर स्कूल में PHU से BDS सेकेंड ईयर की छात्रा जूली को गिरफ्तार किया गया है और जूली के साथ उसकी माँ को भी गिरफ्तार किया गया है। जब पड़ताल हुई तो मालूम पड़ा कि अपने राजा बेटे के कहने पर माँ बबिता ने सॉल्वर गैंग से 5 लाख रुपए लिए थे और जिसके बाद माँ ने अपनी डॉक्टर बेटी जूली को त्रिपुरा की रहने वाली हिना विश्वास की जगह नीट परीक्षा में बैठाया था। इस बात का प्रमाण आपको स्क्रीन पर दिख रहे एडमिट कार्ड से मिल सकता है कि एडमिट कार्ड हिना का था और एग्जाम जूली ने दिया था। पहचान एक जैसी हो जाए इसलिए बड़े साफ तरीके से फोटो को ऐसा एडिट किया गया है कि हिना और जूली दिखने में एक जैसी लगे। जब ये जांच आगे बढ़ती है तो मालूम चलता है इस पूरी गैंग में 3 टीमें काम करती थी। पहली टीम 1 या 2 साल पहले नीट परीक्षा में अच्छे अंक पाकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे छात्रों की लिस्ट बनाकर उनको चुनती थी जो आर्थिक रूप से कमजोर हों। ये टीम पैसे वाले छात्रों से मोटा पैसा लेकर गरीब अभ्यर्थियों को जो परीक्षा निकाल चुके हैं उनको देने का काम करती थी ताकि अमीर छात्र पीछे दरवाजे से बिना मेहनत किए डॉक्टर बन जाए। और पकड़ी गई जूली भी इस प्रक्रिया को साफ दर्शाती है क्योंकि जूली भी ऐसे ही बैकग्राउंड से थी। उसके पिता पटना में सब्जी की दुकान लगाते हैं। अब बताता हूं मैं आपको दूसरी टीम के बारे में। दूसरी टीम नीट परीक्षा में फेल हुए छात्रों का डेटाबेस तैयार करती थी जो आर्थिक रूप से संपन्न होते लेकिन परीक्षा पास नहीं कर पा रहे थे। तीसरी टीम पैसों की लालच में आकर सॉल्वर बनने को तैयार हुए MBBS व BDS के छात्रों का चेहरा देखता, उनकी फोटो से पैसा देकर परीक्षा पास कराने वाले छात्रों की जोड़ी बनाता, यानी लड़की की जगह लड़की सॉल्वर रखते लेकिन चेहरा मिलता जुलता होता।
ये सब करने के बाद फिर असली कैंडिडेट सॉल्वर कैंडिडेट की फोटो को हाइब्रिड यानी मिला जुला कर तीसरी फोटो बनाई जाती और वो फोटो एडमिट कार्ड पर लगा दी जाती ताकि परीक्षा केंद्र पर मिलान हो तो नाक आंख का असल कैंडिडेट से मिलान हो सके। गैंग में तीन टीमें अलग अलग टीमों की तरह काम करती थी, यहाँ तक तीनों टीम एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी, लेकिन तीनों टीमों का एक बॉस होता है जो पटना में रहता है और पुलिस को अब तक इस मास्टरमाइंड की फोटो तक नहीं मिल पाई है। बात यहाँ सिर्फ सॉल्वर गैंग की ही नहीं बल्कि परीक्षा से पहले जैसे पेपर लीक होते हैं उससे ये साफ मालूम पड़ता है कि इस पूरी प्रक्रिया में ही झोल है जो सिर्फ एक तबके के छात्रों को पीछे के दरवाजे से डॉक्टर बनाने का काम करती है। मोटा मोटा आप ये समझिए कि गरीब बच्चे जो अपनी लगन से परीक्षा निकालते हैं उनको प्रायोजित तरीके से सिस्टम में लाया जाता है और अमीर बच्चों से पैसा दिलवाकर दूसरे गरीब बच्चों का जीवन नष्ट किया जाता है। कल भी मैं अपने कार्यक्रम में नीट से जुड़ा हुआ मुद्दा लाया था और आज भी मैंने आपके सामने नीट से जुड़ी हुई एक बड़ी अव्यवस्था लाने का काम किया है। अगर आपके पास अभी भी कुछ ऐसे तथ्य जानकारी या समस्या है तो मुझे यानी कबीर न्यूज को ईमेल किए ताकि मैं आपकी बातों को यहां से उठा सकूं।